नमस्कार दोस्तों, मैं सईद आलम खान, आगाज़ भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस समय गोलघर गोरखपुर में पढ़ता है वहां हूं और छात्रों के बीच आया हुआ हूं। यहां पे एक छात्रावास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास। इस छात्रावास की खासियत है कि यहां के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने अपनी बचत निधि से इस लॉकडाउन की स्थिति में जो महामारी WHO के द्वारा घोषित कर दी गई है, वह खुद अपने प्रयासों से अपने बचाए हुए धन से लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं और यह खाने का प्रबंध उन लोगों को बना करके और वितरित कर रहे हैं गोरखपुर के अलग अलग शहरों में, जहां पे भी जो ज़रूरतमंद दिखाई दे रहे हैं और भूखे हैं काफ़ी दिनों से, उनको खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, उनको अपने इस बचत किए हुए धन से खाना बनवा करके वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। आइए, इस संबंध में हम यहाँ के छात्रों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ के इस छात्रावास के एक छात्र बैठे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं ये खुद ही यहाँ पे भोजन बनाने की में लिप्त हैं और खुद अपने हाथों से बना करके और लोगों तक तो पहुँचाने का कार्य करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र भारती। क्या पर्पज है और किस तरीके से आप लोग इस मुहिम को, जो जन सेवा से जुड़ी हुई है, चला रहे हैं? देश के अन्य जगहों पर, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, जो प्रवासी मजदूर और जो मेहनत कश लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं। तो इसी प्रकार से गोरखपुर के सर्किट हाउस के पीछे तकरीबन बिहार और बंगाल के 250 मजदूर हैं, जिनका ठेकेदार जो है कि 1,000 रुपया उनको दे करके और फरार हो गया। तब से उनके पास न कहीं आने जाने की व्यवस्था है, न रहने की खाने की व्यवस्था है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। तो इस छात्रावास से पहला भोजन उन 250 मेहनत कश लोगों के पास जाता है। उसके बाद वहाँ से सिंघड़िया के तरफ जाता है, झारखंडी मंदिर के बगल में जाता है। इस प्रकार से कुल टोटल 400 लोगों का भोजन यहाँ पर हम सारे छात्रावासी मिल के तैयार करते हैं और इसको ले जा करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं। कम संसाधन में यहाँ पर खाना जो है कि तैयार हम लोग कर लेते हैं और उनको भोजन उपलब्ध करवा देते हैं। तो सरकार ने भी अपने तरफ से कुछ प्रयास किए हैं, जैसे कुछ फाइनेंस करना, कुछ आर्थिक मदद करना, तो वो मदद आपके पास पहुँची है या नहीं पहुँची है? हम लोगों के पास किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं पहुँची है। यहाँ के जो छात्रावासी हैं वह जो है कि सहयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरुजी आदरणीय गोपाल प्रसाद जी हैं, उनका विशेष सहयोग रहा है। इस प्रकार से तमाम लोग ऐसे हैं जो छोटा बड़ा करके सहयोग दिए हैं, जिससे जो है कि इसको चलाया जा रहा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के होने के वजह से हम लोगों के पास भी अनाज की कमी विशेष नहीं है, तो फिर वहाँ से भी इसकी पूर्ति की जाती है। यानी कि सब कुछ आप लोग अपने स्वयं के बल पर कर रहे हैं? बिल्कुल अपने ही बल पे हो रहा है, अपनी व्यवस्था से जो है कि इसको चलाने का प्रयास चल रहा है और विगत 9-10 दिनों से चल भी रहा है। तो 9-10 दिनों से लगातार 400 लोगों का भोजन आप लोग करा रहे हैं? बिल्कुल, 400 लोगों का 9-10 दिन से भोजन पिछले 15 तारीख से अब तक जो है कि चल रहा है। एक और इनके साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो इस मुहिम में अपना सहयोग दे रहे हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका? जितने भी मज़दूर दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ के गोरखपुर के भी निवासी हैं, जो असहाय हैं, मजबूर हैं, जो रोजी रोटी कमाते थे अपने मेहनत से, वो इस लॉकडाउन की वजह से ना ही काम कर पा रहे हैं, ना ही कुछ व्यवस्था कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको भी भोजन पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। यह एक आगाज़ भारत न्यूज़ की तरफ से इस लॉकडाउन की स्थिति में जो जन कल्याण किया जा रहा है, खास करके छात्रों के तरफ से एक योगदान दिया गया है, इसके लिए हमारा चैनल आप इन सारे छात्रों के हौसले को सलाम करता है और तहे दिल से धन्यवाद देता है।